नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के किसानों को राजस्थान के सीकर से 11:30 पर लाइव टेलीकास्ट देखा गया। किसानों को प्रधानमंत्री ने अनेकों सौगात दिए, जिसका सीधा प्रसारण नोखा के बाजार समिति के प्रांगण में बिस्कोमान कृषक सेवा केंद्र में देखा गया। इसका जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी के अति पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंडलों के किसान समृद्धि केंद्रों पर प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुना गया। मौके पर भाजपा के जिला मंत्री सुनीता गुप्ता, जवाहर चौरसिया, भाजपा नेता मनोज चंदे, जिला मंत्री संध्या श्रीवास्तव, उमेश चौहान, जितेंद्र सिंह, अनिल सिंह, बिंदे लाल कुशवाहा, सुरेंद्र चंद्रवंशी, कामेश्वर पासवान सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किसानों के बारे में जो भी बताए तो सब पूरा करने का वादा किए हैं और हम कार्यकर्ता उन्हें करके दिखाएंगे, पुनः मोदी जी को लाने का प्रयास करेंगे। मैं सुनीता गुप्ता, जिला मंत्री, उमेश पार्टी पासवान। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसान के जितनी भी योजनाएं चला रहे हैं उसके बारे में जिसको मान पर गया उसमें सभी किसानों को लाभ दिया गया है, उसके बारे में आज मोदी का अभिभाषण है और जितने भी किसान आज जुटे हुए हैं सभी लोग सुन रहे हैं, सभी तारीफ कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को हम लोग योजना चलाए हैं, सभी किसानों के लिए बहुत अच्छा है।